हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिर्जा भाई ब्लॉग्स। अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और आज है 27 जनवरी। आधे घंटे में 28 हो जाएगी। खैर वो अलग सी बात है, लेकिन मैंने अभी अभी नहीं लेकिन कुछ घंटों पहले एक वीडियो एडिट करके और अपलोडिंग में लगा दी थी। तो मुझे लगा था कि आधे घंटे में हो जाएगा अपलोड, तो लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट 10 बजे लगाया था अपलोडिंग में और अभी तक सिर्फ 35 MB अभी तक अपलोड हुई है, यानी 1.5 घंटे में सिर्फ 35 MB। नेट की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि कभी कभी ऐसा अंदर से फील आता है कि किस जगह हम आकर फंस गए हैं। और ये अक्सर होता है कि नेट बहुत मतलब बहुत ही खराब चलता है, जबकि जियो 4G है और वो 3G से भी बेकार चल रहा है। और ये जो वक्त है 11:30, ये ऐसा वक्त है कि जब लोग आराम से अपना बेड पे बैठकर टीवी देखते हैं, कहीं खाना खाते हैं। और इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कल के लिए यानी 20 जनवरी आने वाले कल के लिए मैं सब्जी बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह में उठने में लेट हो जाएगा, इसलिए अभी से कल की सब्जी बना रहा हूँ। सुबह में उठ करके सिर्फ चावल बनाना रहेगा। और अभी जैसे कि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, तो इसलिए मैंने आज ही शाम में अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है मास्क, 100 मास्क के पैकेट का डब्बा, और एक सैनिटाइजर ऑर्डर किया है जो कि 3 फरवरी को एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा। और क्योंकि मेरे पास जो मास्क है ना, वो वाइट कलर का मास्क है और वो अब गंदा हो रहा है। तो मास्क का ऐसा कुछ है कि कोई भी मास्क लें तो एक हफ्ता दो हफ्ते में चेंज करना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा कि बार बार मास्क खरीदने से अच्छा है कि एक ही बार 100 मास्क का पैकेट खरीद लेते हैं, तो हर हफ्ते उसको चेंज कर करके यूज़ करते रहेंगे। और सैनिटाइजर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आज ऑर्डर कर दिया है और फिर 3 तक आ जाएगा। बाकी मेन जो पर्पस था वो यही था कि नेट इतना खराब चल रहा है ना कि वीडियो पता नहीं कब अपलोड होगा। और नेट बचा हुआ भी है, पिछले बार जब मैंने रिचार्ज किया था तो 2 GB का रिचार्ज किया था पर डे वाला, लेकिन इस बार मैंने 1.5 GB वाला किया है जो कि साल भर की वैलिडिटी है। तो इस वजह से जो मेरा एक्स्ट्रा 500 MB वेस्ट होने वाला था वो तो थोड़ा बच गया है, क्योंकि 2 GB वाले में मेरा 1.5 GB तो वैसे ही वेस्ट हो जाता था। दिन भर यूज़ करता नहीं था और शाम में यूज़ करने का टाइम नहीं मिलता था। तो ये जो 1.5 GB वाला रिचार्ज किया है, इसमें से भी मेरा लग रहा है कि आज 1 GB पूरा वेस्ट होने वाला है, क्योंकि अभी तक वीडियो अपलोड हुई नहीं है। और जो आज सब्जी में बनाने जा रहा हूँ यानी चढ़ा दिया बनने के लिए, वो है मटर आलू की सब्जी। और मैं अभी जो इन दिनों जो सब्जी खा रहा हूँ वो या तो मैं फूलगोभी खा रहा हूँ या तो मैं मटर खा रहा हूँ, क्योंकि और कोई सब्जी मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है नहीं। तो इसलिए मैं या तो मटर लेता हूँ या तो फूलगोभी लेता हूँ। एक बार मैंने करम कल्ला आलू की सब्जी बनाई थी, लेकिन वो मज़ा नहीं आया खा के। तो बस यही है अभी तक की स्टोरी, और देखते हैं कि आगे कुछ अगर कुछ होता है अच्छा, कुछ ऐसा कुछ बताने लायक होता है तो फिर संपर्क करेंगे आप लोगों से, और अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर कल सुबह में मिलेंगे। तो समझते हैं कि आगे क्या करना है। अभी कुकर सिटी मारने वाला है तो उसमें थोड़ा सब्जी का स्टेटस देख लेते हैं कि कैसा है। 2 days later। गुड आफ्टरनून, अभी बज रहे हैं 2:00 PM और आज मैंने अपना रूम चेंज कर दिया है। पहले जिस रूम में था सिंगल रूम था, और जैसे जैसे सामान बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे रूम में रखने की जगह नहीं बन रही थी, तो इसलिए आज मैंने रूम चेंज कर दिया है। और आप लोगों को दिखाते हैं कि मैंने कौन सा रूम लिया है। वैसे तो मैंने 2 रूम लिया है, एक रूम को पूरा किचन करना है और दूसरे रूम को
बेडरूम करना है। तो दिखाते हैं आपको कि कौन सा रूम है। सो दिस इज द रूम इज द, और ये वाला रूम, ये वाले रूम को बेडरूम बनाना है और ये वाले रूम को किचन बनाना है। तो अंदर जाते हैं, दिखते हैं। पहले बेडरूम में जाते हैं। ये कुछ ऐसा है, ऐसा रूम है कुछ। ये बाथरूम है सामने, और एक्चुअली ये सिंगल रूम ही बना था किचन बाथरूम के साथ। तो ये किचन का एरिया है जिसको देखते हैं कि किस तरह से यूज़ किया जाएगा, क्योंकि किचन तो दूसरे रूम में जाएगा। और ये है पूरा रूम, और इस रूम की सबसे अच्छी बात जो है वो है बालकनी है इस रूम में, और इस बालकनी से बाहर निकलिए तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। वाह क्या बात है, सुबह सुबह उठिए और इस खूबसूरत नज़ारे को देखिए। और बालकनी से ही रास्ता है किचन में भी जाने का, लेकिन बाहर की साइड से हम लोग किचन में जाएंगे। तो ये किचन, ये भी एक रूम ही था लेकिन इसको हम किचन की तरह यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अभी सब सामान वैसे ही बिखरा पड़ा है, इन सबको एडजस्ट करना है। और इससे भी एक बालकनी है जो कि दोनों की बालकनी साथ में ही है। तो अगर बिल्कुल सेपरेट यूज़ करना रहा तो इसका गेट लॉक कर दिया जाएगा, देन फिर इसका गेट लॉक कर दिया जाएगा, और बालकनी के रास्ते से किचन और बेडरूम में आना जाना किया जा सकता है। तो अभी एडजस्ट करते हैं। ऑल राइट, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, और अभी तक सिर्फ किचन का सामान सेट हुआ है, बेडरूम अभी बाकी है। दिखाते हैं आपको अब कैसा लग रहा है किचन। तो अब कुछ ऐसा दिख रहा है किचन, सब सामान अपनी अपनी जगह पे। ये बॉटल्स को नीचे रखना है, और ये इस जार के लिए एक टेबल ला करके यहाँ पे रखना है, और उस टेबल पे जार को रखना है, बस वो एक काम है। और अभी रूम पूरा साफ सुथरा हो चुका है, वो कुछ डब्बा तो उसको किनारे साइड में रख दिया है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। तो अब बेडरूम साफ करना है, लेकिन बेडरूम में को बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ नहीं करेंगे क्योंकि टाइम अभी है नहीं। डेली थोड़ा थोड़ा साफ करते रहेंगे, सामान एडजस्ट करते रहेंगे, तो इस हफ्ते सब काम हो जाएगा। और कुछ सामान लेना है किचन के लिए, वो सामान भी लेकर के आना है। अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इस हफ्ते पूरा बेडरूम और किचन एकदम रेडी कर देना है। और अभी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो पहले खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो गया आज। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और किचन तो 3 बजे तक कंप्लीट हो गया था। रूम भी अब कंप्लीट हो चुका है, और ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है, बस सिर्फ एक स्टडी टेबल लेना है और एक अलमीरा लेना है, दैट्स इट। और अभी आपको रूम दिखाते हैं कितना अच्छा और साफ सुथरा लग रहा है। सो दिस इज द रूम इज द, अच्छे से बेड सरिया दिया गया है, वहाँ सामने सामान सब रख दिया गया है, 2 चेयर थी उसको वहाँ रख दिया, कैलेंडर यहाँ लगा दिया, और एक अलगनी बांध दी जिसमें कपड़े टांगे जाएंगे। लेकिन एक हुक भी लेना है जो इस दरवाजे के पीछे लगाना है कपड़े टांगने के लिए। और बाहर का मौसम क्या बात है, अब शाम हो रही है तो धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है, और सामने सनसेट हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और रूम साफ करते करते मेरी उंगली कब कट गई पता भी नहीं चला। अभी जा करके बैंडेड लाया है, तो लगाया है बैंडेड। आज तो वैसे प्लान था कि सुबह से बस पढ़ाई 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 करनी है, लेकिन रूम शिफ्टिंग के चक्कर में आधा दिन वैसे ही निकल गया।
और अब शाम में थोड़ी सी ठंड बढ़ रही है तो थोड़ा आलस आ रहा है, लेकिन इस आलस को दूर करते हैं और अभी भी टाइम है काफ़ी मेरे पास, बैठ करके पढ़ाई करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड भी करते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ऐसे ही कुछ और वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।